Hello student, I am Prashant Kumar. We will discuss 6th chapter of class 9th, that is lines and angles. Lines and angles में एक topic है आपका angle sum property of triangle. यानी कि सबसे पहले उसमें एक topic है angle sum property of triangle. उसमें हमको triangle के बारे में पढ़ना है. Triangle होता क्या है? Triangle के सभी angle का sum कितने होते हैं? देखते हैं triangle. Triangle क्या होता है? The plane figure which is bounded by थ्री लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? द प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाई थ्री लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल. यानी कि वैसा तीन लाइन जो एक प्लेन में थ्री लाइन सेगमेंट से या थ्री लाइन से बाउंडिंग हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. वैसा फिगर जो किसी प्लेन में थ्री लाइन से बाउंडिंग हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं. जैसे यह थ्री लाइन्स है, मान लेते हैं यह थ्री लाइन्स है, ठीक है, थ्री लाइन्स है. इससे कोई क्लोज फिगर क्या है? बाउंडिंग है. थ्री लाइन्स से जो फिगर बाउंडिंग है उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं. यह आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी और सी, यह ट्रायंगल फॉर्म हुआ. ट्रायंगल देयर आर ट्रायंगल है थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. यानी कि एक ट्रायंगल में थ्री लाइंस होते हैं या थ्री साइड्स बोलिए, थ्री साइड्स, ठीक है, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टेक्स. वर्टेक्स माने वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टेक्स होते हैं. साइड्स कौन हुआ? ए बी. देखिए थ्री साइड्स में आपका साइड्स है ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है. एंगल्स में देखिए, एंगल्स में कौन है? तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है. वर्टिसेस में, वर्टिसेस में कौन है? तो ए बी सी. थ्री साइड्स है, थ्री एंगल्स है और थ्री वर्टेक्स है. इसके ट्रायंगल समझ गए? जब वैसा फिगर, वैसा क्लोज फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से क्या हो बॉन्डिंग हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं. ट्रायंगल में देयर आर थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स. इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के टाइप्स, ठीक है. ट्रायंगल के टाइप्स देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है. ट्रायंगल को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स है ट्रायंगल थ्री टाइप के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल से ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि जो साइड्स पे डिपेंडेंट हो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो एंगल पे डिपेंडेंट हो. तो एंगल टोटल मिलाकर थ्री साइड्स है और थ्री एंगल से, ये टोटल मिलाकर कितना हुआ? सिक्स. यानी कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? सिक्स टाइप के. इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स से पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. दूसरा होता है आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस, एस्केलस लिखाता है बल्कि पढ़ा जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल.
थर्ड होता है एस्कैलेन, एस्कैलेन ट्रायंगल, ठीक है। थ्री साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड से थ्री टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल या आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको पढ़िए एस्कैलेन ट्रायंगल। या थ्री साइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल से विथ थ्री टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है एक्यूट ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। और थ्री होते हैं, थर्ड होते हैं आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, एस्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में समझ लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका थ्री साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। ट्रायंगल व्हिच थ्री ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हो थ्री ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड एस्केलन ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एंगल जीरो डिग्री से ग्रेटर देन एंड 90 डिग्री से क्या हो लेस हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसका कि कोई भी एंगल, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल और आइसोसेलस ट्रायंगल, इसका कुछ डिफिनेशन है, डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इससे पहले आप लोग को मालूम चल गया जब ट्रायंगल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड से भी एंगल थ्री टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल से भी ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। टोटल मिलाकर थ्री और थ्री सिक्स टाइप्स के ट्रायंगल हुए। इस सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बताएं, ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका थ्री साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर sides are equal is called an equilateral triangle. Equilateral triangle. A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. तो इसमें देखे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आ गया, ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका थ्री साइड्स इक्वल हो, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका फिगर देखिए, ए बी सी अभी बताए थे हम आप लोगों को, जो ट्रायंगल में थ्री साइड्स, थ्री एंगल और थ्री वर्टिसेस होते हैं या वर्टेक्स होते हैं। थ्री साइड्स क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, या थ्री साइड्स है, थ्री तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है जो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब है ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल करने का मतलब है जब सभी एंगल अगर इक्वल होंगे तो यह सभी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, तो आप लिख सकते हो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री या ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सभी एंगल कितने डिग्री का होंगे, 60 डिग्री का होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड नहीं दो ही प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा है सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सभी इक्विलेटरल है किसी भी ट्रायंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उसको प्रॉपर्टी में लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल इसमें देखिए आइसोसेलस में टू साइड्स इक्वल होते हैं, मान लेते हैं जो यह टू साइड्स एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो टू साइड्स एबी और बीसी कोई भी टू साइड्स इक्वल होंगे, एबी और बीसी को ही दिखा दिए, और जो एबी और एसी दो टो साइड है दोनों क्या है आपस में इक्वल है और बीसी डिफरेंट होगा, इसलिए पहला प्रॉपर्टी आइसोसेलस ट्रायंगल का पहले डिफिनेशन देखेंगे, और ट्रायंगल अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड, टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल हो टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल, इसका भी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू साइड्स आर इक्वल, इसलिए टू साइड अगर इक्वल होगा तो हम देख रहे हैं ए बी इक्वल है एसी के, बट बीसी आर डिफरेंट साइड्स, ए बी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। इसमें भी दो टू एंगल्स इक्वल होते हैं, तो टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, इसका अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट साइड सी है और ए सी का अपोजिट साइड बी है, इसलिए बी और सी भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे स्केलन ट्रायंगल का, उसका डिफिनेशन देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम पहले आप लोग को बता चुके हैं, जो ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल, इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले, अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, या ऑल साइड्स आर अनइक्वल भी कर सकते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल,
इसका डेफिनेशन क्या दिया है, तो ट्रायंगल हो ऑल साइड्स आर डिफरेंट या ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज आर कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल में देखे थे क्या, जब टू थ्री साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलस में क्या देखे थे, जब टू साइड्स आर इक्वल और जो रिमेनिंग साइड है वह डिफरेंट होगा, और स्केलन में क्या देखेंगे, जो ऑल साइड्स आर डिफरेंट या ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसे एक ट्रायंगल का फिगर देखिए, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई क्या है ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या होगा, आपस में डिफरेंट होंगे। तो इसका प्रॉपर्टी थोड़ा देख लीजिए, प्रॉपर्टी क्या है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसलिए ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी, डज नॉट इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड है ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, इसलिए एंगल ए डज नॉट इज इक्वल टू एंगल बी, डज नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। इसमें क्या है, सभी साइड्स और सभी एंगल या टोटल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वही प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद यह हम तो देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड से, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंड एंगल से। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ एंड एंगल से देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हम द बेसिस ऑफ एंड एंगल से क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज ईच एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या इसको एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन फिर से समझिए, अ ट्रायंगल हुज ईच एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल, ईच ऑफ द एंगल यानी प्रत्येक एंगल 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं या उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे ही इसके फिगर पर हम लोग देख लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या, प्रत्येक एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वह आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसलिए एक्यूट एंगल तो होगा ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वह आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ही। उसके साथ साथ मान लेते हैं प्रत्येक एंगल कोई 45 डिग्री का हो, कोई 70 डिग्री का हो, कोई मान लेते हैं 75 डिग्री का हो, वह आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सीधे समझना है कि प्रत्येक एंगल जो होगा वह आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या लिखा है, ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई भी किसी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो तो वह आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हम देख लेते हैं फिगर क्या है, मान लेते हैं कोई एक एंगल यह आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यह जो एंगल है हो सकता है वो 90 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यह मान लेते हैं 120 डिग्री का है। तो कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो वही जो डेफिनेशन क्या था, ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखा है, तो ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल अगर परपेंडिकुलर हो जाए यानी कि 90 डिग्री हो जाए तो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे इसका फिगर देखते हैं,
ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें जो देखे थे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, यह एंगल 80 डिग्री है, और अच्छा यह एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, या तीनों और 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखे थे क्या, जब कोई एक एंगल एंड ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या देखे थे, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो तो एक एंगल 120 डिग्री कर दिए तो यह आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। फिर इसमें क्या देखे थे, ट्रायंगल हुज मेजर वन ऑफ द एंगल मोर देन 90 डिग्री, सॉरी ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कोई एक एंगल क्या है अगर परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री है तो हम इसको बोल देंगे क्या है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्म रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टर्म, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म के बारे में जानेंगे जो वह टर्म क्या है। तो पहला मेडियन बताए हैं, दूसरा आपका सेंट्रोइड है, तीसरा आपका एल्टीट्यूड है, चौथा आपका ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले मेडियन, सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर। मेडियन क्या होता है, तो मेडियन इज अ ट्रायंगल, मेडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। फिर से एक बार देखिए, मेडियन क्या है, तो मेडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। यानी कि मेडियन क्या है, तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, या आपका कोई ट्रायंगल एबीसी आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी साइड के, एनी साइड मतलब किसी भी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू मीट करते हैं वह लाइन सेगमेंट क्या है आपका मेडियन है। जिसे मान लेते हैं एडी है, एडी आपका मेडियन हुआ। फिर अपोजिट वर्टेक्स बी से अगर एसी का कोई मिड पॉइंट है ई, इसको मीट करेंगे तो बी आपका मेडियन है। फिर आपका मान लेते हैं अपोजिट वर्टेक्स सी से एबी के कोई पॉइंट, एबी का कोई मिड पॉइंट है एफ, तो सीएफ आपका मेडियन है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को, मिड पॉइंट से उसके अपोजिट, या नहीं जब कहीं भी कोई पॉइंट लगे तो अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया, नहीं, मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स के को जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू मीट करते उस लाइन सेगमेंट को मेडियन बोला जाता है। इसलिए मेडियन का डिफिनेशन देखिए, और जो मेडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। इसलिए सेंट्रोइड का डिफिनेशन क्या है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मेडियन। यानी कि सभी मेडियन के जो जहां पर जाकर कट करेंगे, यानी कि सभी मेडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इसलिए सेंट्रोइड का डिफिनेशन क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मेडियन। यानी कि सभी मेडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेते हैं यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जी है, तो यह जी क्या है, जी इज द सेंट्रोइड, जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है। उसमें मेडियन कौन कौन था, तो बीई, एडी और सीएफ क्या था, मेडियन था, तो मेडियन देख लिया, सेंट्रोइड देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो मेडियन है उसी का थोड़ा, उसी से रिलेटेड आपका एल्टीट्यूड है। जिस एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड नाम से नहीं स्पष्ट होता है जो एल्टीट्यूड होता क्या है। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं किसी भी ट्रायंगल का या कोई भी ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां बोलता है जो एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बीसी, इसका मतलब क्या है, एल्टीट्यूड मतलब जब भी एल्टीट्यूड बोले समझ जाइए क्या, जो एल्टीट्यूड क्या है, जो आपका एक परपेंडिकुलर होता है,
तो एल्टीट्यूड के बारे में देखते हैं, एल्टीट्यूड क्या है, दी एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड। यानी कि उसमें था कि किसी लाइन सेगमेंट से जोड़ते थे, इसमें कोई परपेंडिकुलर थे अपोजिट, देखिए ध्यान से, कोई मान लेते हैं ट्रायंगल है एबीसी, वहां से मिड पॉइंट से जोड़ते थे, बल्कि नहीं, यहां को अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर हम लाइन पर ड्रॉ करेंगे उसी परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, आपका एल्टीट्यूड बोला जाता है। तो अपोजिट वर्टेक्स से ए से मान लेते हैं, इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, या परपेंडिकुलर या फिक्स नहीं, आपका मिड पॉइंट ही होगा, या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, या तीनों क्या है आपस परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस सभी को तुम्हारे डी है, ई है और एफ, एडी बीई और सीएफ क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए एडी बीई और सीएफ क्या होगा, एक एल्टीट्यूड भी होगा, एडी बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का पर सभी क्या है एल्टीट्यूड है। अब जब एल्टीट्यूड देख लिए तो जो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो वही बोला ऑर्थो सेंटर, दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी कि एल्टीट्यूड के सभी एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि सभी एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो देख लीजिए ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम इसमें भी जी दे देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नेमिंग करते हैं जी से, तो यही जो जी है वह आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर, इसलिए जी इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इसको देख लिए, इसके बाद कुछ और आपका टर्म है ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उसको भी देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में जानेंगे, इन सेंटर क्या होता है और सर्कम सेंटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इन सेंटर क्या है और सर्कम सेंटर क्या है। इन सेंटर क्या है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी फिर से एक बार समझिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि इस बात को समझे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी कि सबसे पहले ट्रायंगल जब बोला है कि किसी ट्रायंगल के, मान लेते हैं या एबीसी आपका ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तो तीन, तो एक ट्रायंगल में थ्री एंगल होते हैं ए बी और सी, सभी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, यानी कि इसका एंगल यह है ना ए बी और सी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, फिर इसका इंटरनल बाइसेक्टर, मान लेते हैं इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, फिर एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर, ए का इंटरनल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल बाइसेक्टर और सी का इंटरनल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट जो तीनों का इंटरनल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही ना है, इसका नाम दे देते हैं आई, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग आई से या जी से, कर दो जी, यही जी क्या है, पॉइंट इन सेंटर है, तो जी इज द, इसलिए जी इज द
in center of a triangle ABC. यह जो G है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है. फिर से एक बार समझिए, इन सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल के एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा वह जिस पॉइंट पे कट करेंगे, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो सभी ए का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर तीनों जाकर जी पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं. इसलिए जी क्या है, इन सेंटर. उसके बाद मान लेते हैं यह आपका एक, मान लेते इसको हम बढ़ा के यहां तक ला दी, इसका नाम दे देते हैं जी. तो जीडी को अगर हम रेडियस मानकर, जीडी को रेडियस में इसको भी अगर बढ़ा देते हैं यहां तक, इसको भी बढ़ा, इसको भी रहने दीजिए. जीडी को सेंटर मानकर और जी को, जीडी को रेडियस मानकर और जी को सेंटर मानकर जब कोई सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इसी सर्किल को क्या बोला जाता है, इस सर्कल को इन सर्कल बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ यह जीडी भी रेडियस है, मान लेते हैं यहाँ पर ई है, जी भी रेडियस है और यहाँ मान लेते हैं एफ है, जी एफ भी रेडियस है. तो जीडी, जी और जी एफ यह तीनों रेडियस है और मान लेते हैं जी को सेंटर मान के और जीडी को रेडियस मानकर जो हम सर्किल ड्रॉ करते हैं उस सर्कल को क्या बोला जाता है, इन सर्कल बोला जाता है. इसलिए यह आपका इन सर्कल है, इसका नाम हम यही दे देते हैं, इन सर्कल. ठीक है, इन सर्कल बोला जाता है. अब देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है. हम लोग बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, नाइन्थ क्लास में बनाएंगे या एट क्लास में, प्रीवियस जो क्लास है एट सेवन, इसमें हम सेंट्रोइड के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में, मेडियन के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, सबके बारे में पढ़े. तो होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं. सर्कम सेंटर के बारे में देखते हैं, सर्कम सेंटर होता क्या है. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. यानी कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल पे, आई होप आपको समझ में आता होगा, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी के बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लेते हैं या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक इसका एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और फिर एक बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. ठीक है, इस तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह भी आपका परपेंडिकुलर है, यह भी परपेंडिकुलर है और यह भी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसी पर, जब तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसी पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं. बात समझे, किसी ट्रायंगल के साइड पर, प्रत्येक साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वह जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर. इसलिए मान लेते हैं यह पॉइंट आपका एच है, ठीक है, वह पॉइंट एच है, इसलिए एच इज द सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर. अब तो आप देख लिए जो टर्म रिलेटेड टू अ ट्रायंगल क्या होते हैं, यानी कि ट्रायंगल के कुछ टर्म होते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल के बराबर, दो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. हम लोग का टॉपिक है
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। टॉपिक क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, उसी है कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। पीछे बताया गया है दि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री कैसे होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए एक थ्योरम है आपका, थ्योरम है द सम ऑफ द टू प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यह काफी बीवीआई क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से। यह जो थ्योरम है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को अच्छे तरह से समझिए। यह थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसी पे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले गिवन मेरा क्या है, तो गिवन तो कुछ अभी दिया नहीं है, सीधे ट्रायंगल बोला है तो ट्रायंगल तो कुछ लेना पड़ेगा ना। तो ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, मान लेते हैं क्या एबीसी कोई ट्रायंगल है। तो यहां लिखिएगा लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल ले लिए। उसके बाद कुछ प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। टू प्रूव सभी एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन होंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए इस प्रॉब्लम, इस थ्योरम को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, किसी एक साइड के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बीसी के पैरेलल कीजिए, एबी के कीजिए या एसी के कीजिए, मगर हम बीसी के पैरेलल ही करते हैं। तो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए से होकर पास करती है, ठीक है। तो थ्रू ए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। थ्रू ए ठीक है, ड्रो अ लाइन, इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई, ड्रो अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रो किए एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग, या तो पहला लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में इसको आसान करने के लिए, मान लेते हैं यह सब एंगल है, इसका नाम देना पड़ेगा, इसलिए इसको आसान करने के लिए हम कुछ एंगल में इसको, इस एंगल का कुछ नेम, एंगल के नेम द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस एंगल वन है, एंगल टू है, एंगल थ्री है, इसका एंगल फोर है, एंगल फाइव है, ठीक है। सभी एंगल को रिप्रेजेंट कर दिए, एंगल जो एक्स ए बी है उसको वन, एंगल बी ए सी है इसको टू, और एंगल वाई ए सी है या सी ए वाई है इसको हम एंगल थ्री द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बी और सी को फोर और फाइव द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ
प्रूफ में हम देख रहे हैं जे सिंस एक्स वाई जो है वह पैरेलल है किसके, बीसी के। एक्स वाई जो लाइन है वह बीसी के पैरेलल है। तो आप लोग पढ़े हैं पीछे, पिछले वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 3 या 4 में देखे हैं जो दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं, जो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों इक्वल होगा, तो यह अल्टरनेट इंटीरियर है, दो तो पैरेलल लाइन एक्स वाई और बीसी, ट्रांसवर्सल ए भी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। आप लिख भी सकते हैं जे सिंस एक्स वाई पैरेलल बीसी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, लिख लीजिए एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। इसलिए एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के, क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली उसी तरह से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यह भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंड कब होगा, तो जब एक्स वाई बीसी का पैरेलल एसी ट्रांसवर्सल होगा, तो एसी ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नाउ, अब हम क्या देखते हैं, इसको देखिए चूंकि एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई क्या है, एक लाइन है, तो किसी लाइन पे कितना भी रे एक्सटेंड करे, इंफिनिटी रे भी एक्सटेंड करते, सभी एंगल का जितना भी एंगल फॉर्म होगा सभी एंगल का सम कितने होंगे, 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी एक्स वाई एक लाइन है, ए बी और ए सी दो रे एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के, यहां देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के, तो एंगल 1 के जगह पे एंगल 4 डाल सकते हैं कि नहीं। एंगल 2, एंगल 2 को रहने दीजिए क्योंकि ए है, तो एंगल 2 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और एंगल 3 को रिप्लेस करके उसके जहां पर एंगल 5 भी लिखा जा सकता है, तो एंगल क्योंकि एंगल 3 और 5 आपस में इक्वल है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां देख रहे हैं एंगल 4 कौन सा एंगल है, एंगल बी का ही नाम दिया एंगल 4, इसलिए एंगल 4 के जगह पे एंगल बी लिख दे, फिर एंगल 2 के जगह पे एंगल ए और एंगल 5 के जगह पे एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ तो हो गया, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, इसको सजा कर लिख लीजिए, इसलिए एंगल ए इसको आप इधर उधर करके लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ काफी इजी था, इसमें का इस या जो थ्योरम है यह काफी इजी है और काफी इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कोई एक्सटीरियर एंगल दो तो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम भी इक्वल के होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, इसको आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से देखिए, बेस्ट ऑफ लक।